घटना घटी थी? घटना ये घटी थी, हमारे मुंशी को 12 से 1 बीच में मारा गया। उससे बोले कि रंगदारी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी से आप बात कर लीजिए, अगर आपको रंगदारी चाहिए। गुंडा टैक्स मांग रहे थे, हर महीना उनको 1 लाख चाहिए। तो कौन है ये रिहान खान है, अतीक के गैंग का सदस्य है। इसके पहले भी इसका नाम आ गया है, पार्सर गैंग का बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। पेपर में भी निकला है, और पेपर में भी कई बार निकला। तो हम लोग जो है निकले, तो प्रदीप का फोन आया कि भैया हमको मार दिया था। हमने कहा 112 आप सूचित करिए, हम आ रहे हैं, आपको थाने ले चलते हैं। एक घर 112 सूचित करने के बाद एक घर जाने लगा। हमने इसको रोका मामा बहने से, पहले हम कहे रुको हम आ रहे हैं, आपको थाने ले चलते हैं। जब हम लोग पहुंचे वहां, अच्छा ये लोग घात लगा के पदम इम्प्लॉक जो फ्लैट है वहां पे लोग घात लगा के बैठे थे। जब हम प्रदीप को लेके थाने के लिए निकले तो अचानक से हमला, और उधर से लाए भैया घेर लिए हैं, घेर लिए हैं, फायरिंग ताबक तोड़ फायरिंग होने लगी, गोली ताबक तोड़ चले। उसके बाद ये धमकी दिया जा रहा था कि अगर थाना हमारा, अगर जाओगे तो कुछ होगा नहीं, सब जो है खरीदे हैं और जो होगा पर देख लिया जाएगा। तो अगर हमारी हत्या होती है, हमें कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार हमारे, तो यही मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वो 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी कराए, नहीं तो पक्का है कि हम लोगों का हत्या हो जाएगा। ऐसे आतंकियों का, हाँ, इतनी गोली चली कि हमारी पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हम लोग सीट के नीचे घुसे थे, जाके हम लोगों की जान बची। फिर भाग के हम थाने आए, और थाने आए तो थाने पर कोई सुनवाई नहीं। हम लोग 4 बजे से बैठे हैं, 12 बज गया तब जाके FIR कॉपी हाथ में आया है। और बाकी यही निवेदन है प्रेस मीडिया भाई बंधु से, थाने से, मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को न्याय दिलाया जाए, इसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, नहीं कोई भी घटना ये कर सकता है। नाम धीरज कुमार पांडे, सनाब श्री आद्य प्रसाद पांडे, पूरे सूरदास, न्यूज हूसी प्रयागराज। क्या घटना होती है? कल रात लगभग 12 बजे हमारे मुंशी को, 12 क्या 1 बजे के लगभग हमारे मुंशी को रिहान खान नाम के अपराधी, उसको मारा और लाठी डंडों से पीटा। उसकी सूचना उसने हमको दिया, तो हम उसको जान बचा किसी तरीके से डांडी पहुंचा, तो हमको सूचना दिया, तो हम भी उसको डांडी पहुंच के लेके और थाने जा रहे थे कि इस पे कार्रवाई करवाए। और वहाँ ये लोग रिहान खान, ये अतीक के गुर्गे हैं, ये घात लगाए बैठे थे और गाड़ी से चारों तरफ से हमें छाप लिए और ताबक तोड़ गोलियाँ चलाने लगे, जिससे हमारी जान बचाने के लिए गाड़ी में छिप छिपा के किसी तरीके से जीव अपना बचाए हैं और बचा के थाने के लिए निकले। और ये घटना है जनता टंकी के से पहले, पदम कॉम्प्लेक्स है उसी के नजर पदम। पुलिस की तरफ से 4 बजे से आए हैं, अभी 1 बजे के आसपास FIR दर्ज हुआ और उस माफिया लोग खुलेआम घूम रहे हैं और फोन पे धमकी दे रहे हैं और अगल बगल बिल्कुल थाने के आसपास नाच रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से हम निकलने के बाद हमारी हत्या हो जाए। क्या मांग करते हैं हम? बाबा मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि अगर हमारी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इन लोगों को तुरंत जेल भेजा जाए, गिरफ्तारी किया जाए। हमारा नाम प्रदीप कुमार पांडे है, हम झूसी के रहने वाले हैं। जी, शुक्रिया।